बसम असलैक्म डर स्टूडेंट नाउ दिस इज़ अगेन साब टिशू एडेंटो अलवलर ट्रामा ये बहुत लेंथी चैप्टर था तो इसलिए मैंने दो तीन में डिवाइड किया और इसकी जो है ना पहले तो आपने सब टी टिशू जो है न ट्रामा उसके बाद फिर दोबारा जो है ना वो ट्रामा था ये दोबारा ट्रामा है और अभी इन लेक्चर है जो फ्रैक्चर है मैंडेबल फ्रैक्चर और मैगजली फ्रैक्चर वो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा ठीक है अब जो है ना डेंटूल ट्रामा जो है ना उसमें आपने देखा कि साफ टिश्यू है फिर इंट्रूजन लेसरेशन और ये वगैरह वगैरह अब यह क्राउन क्रेस आर क्रेक क्रेक्स ना मतलब ट्रामा हो जाए क्राउन और टूथ की क्राउन पे ये मतलब ये टूथ में एक रूट होता है क्राउन पोर्शन है क्राउन पोर्शन में क्रेज आ जाए क्रेक्स आ जाए दे आर लिमिटेड टू एनेमल अगर क्राउन क्रेज एनेमल सरफेस पे हो टूथ की एनेमल पे हो नो ट्रीटमेंट इज नीडेड बट इफ देयर आर मल्टीपल क्रेक्स रेजन फिलिंग आर क्राउन इज इंडिकेटेड समझ आ गई अगर मल्टीपल सिंगल क्रेक से तो कोई बात नहीं वो खुद ब खुद ठीक हो सकता है अगर मामूली है उसके लिए इतना लेंथी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है और अगर मल्टीपल क्रेक से जो एस्थेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो और या तो उसमें फिर या रेजन वाइट एक्रेलिक रेजन कंपोजिट रेजन फिलिंग करते हैं या क्राउन इंटीग्रिटी, या प्रिपेयर करते हैं क्राउन देते हैं क्योंकि एनेमल सरफेस पे हैं डिंटिन पे नहीं है तो आरसीटी की ज़रूरत नहीं होती अच्छा अगर क्राउन फ्रैक्चर हो जाए दिस टाइप ऑफ क्राउन फ्रैक्चर द टाइप ऑफ क्राउन फ्रैक्चर डिटर्मिन द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ठीक है किस किस्म की क्राउन फ्रैक्चर है वो फिर आपको ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होता है

तो अगर ये इस ये ट्रेमिंग से वो दांत का शेप ख़राब हो जाए है हो जाता है तो एसिड एच कंपोजिट रेजन फिलिंग करते हैं ठीक है एफिक्स अमाउंट ऑफ डेंटिन इज इनवॉल एंड इनवॉल्व द पल्प मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगर ज़्यादा अमाउंट डेंटिन है तो फिर पल्प आप पल्प कैपिंग करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज एज लाइनिंग एंड देन एसिड एच कंपोजिट रेजिंग फिलिंग इज डन पहले जो है ना Uh, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लाइनिंग कर लो और उसके बाद कंपोजिट रेजन फिलिंग कर लो द अदर वेज टू प्लेस ग्लास आइनोमर सीमेंट ओवर द एक्सपोज इंटीन फॉलोड बाय अ कंपोजिट रेजन फिलिंग या पहले ग्लास आइनोमर जो है ना उसकी फिलिंग कर लो उसके ऊपर कंपोजिट रेजन की रेस्टोरेशन uh, कर लो या फिलिंग कर लो एट दिस पॉइंट पल्प वर्टिलिटी टेस्ट इज मस्ट तो पल्प की वाइटिलिटी टेस्ट आपको करना है इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग होते हैं और मैनुअल तरीके से होता है ठीक है तो पल्प वाइटिलिटी टेस्ट जो है ना इलेक्ट्रिक से होता है इफ पल्प इज एक्सपोज पल्प केपिंग इज रिकमेंडेड. एंड आफ्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लेसमेंट ग्लास आनुमर सीमेंट इज एप्लाइड ओवर द विच वाटर टाइट एसिड इच कम्पोजिट रिजन फिलिंग इज डन तो फिर अगर बो ज़्यादा एक्सपोज़ेबल तो फिर कैल्शियम हाउड्रक्साइड से उसकी कवर करो पल्प कैपिंग करो फिर ग्लास अन सीमेंट से के ऊपर उसकी ऊपर फिलिंग कर लो और अगर उसके बाद जो है ना बहुत स्ट्रांग कंपोजिट रिजन फिलिंग करो इफ द पल्प इज ग्रेटली इन्वॉल्व एंड ट्रीटमेंट इन क्राउन इज इज रिकोमेंडेड अब अगर पल्प बिल्कुल इन्वॉल्व है बिल्कुल ग्रेटली पोर्शन पल्पार्टस है तो फिर आर सी टी कर लो उसके ऊपर क्राउन लगाओ क्राउन रूट फ्रैक्चर द ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ठीक है इफ द फ्रैक्चर इज नॉट डीप एपिकल एंड पल्प इज नॉट एक्सपोज

मतलब है कि अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है पीरिए ग्रेन रोमा है एपसिस है या बहुत सीवियरली जो है ना ट्रामोटाइज हुआ है और पेरोडोंटल जो है ना प्रॉब्लम भी होती है लूज है तो उस टूथ को रिमूव करो और इम्प्लांट लगाओ याद रखो सिंगल टूथ अगर आपने किसी को रिमूव करना है वेदर इंटीरियर और पोस्टीरियर द बेस्ट ट्रीटमेंट इज एम ठीक है अगर रिमूव करे हॉरिजेंटल रूट फ्रैक्चर हो इफ द फ्रैक्चर इज ए बाव आर क्लोज टू जंजाइवल क्रीविस द टूथ शुड बी रिमूव अगर फ्रैक्चर जो है ना जंजाइवल क्रीविस तक है तो फिर टूथ को रिमूव करना चाहिए आर द कोरोनल फ्रेगमेंट इज रिमूव अगर कोरोनल फ्रेगमेंट रिमूव है एंड द रूट इज तो अगर फ्रैक्चर जो है ना एज एबाओ या क्लोज टू द जंजाइवर क्रीवे से तो, तो टूथ शुड भी रिमोट और अगर क्रोनल फ्रेगमेंट रिमूड है एज रिमोट एंड द टू एज एंडली पिल ट्रीट कर लो और उसके में पोस्ट लगाओ और उसके ऊपर कंपोजिट रेजिन की कोर बनाओ और फिर क्राउनिंग कर लो फ्रैक्चर इन द मिडल टू एपिकल वन थर्ड इन दियर इज मोबिलिटी देन रिपोजिशनिंग मोबिलाइजेशन बाय टू फॉर टू टू थ्री मंथ इज रिक्वायर्ड अगर फ्रैक्चर मिडल टू एपिकल टू तर्ड ठीक है एपिकल टू थर्ड तक फ्रैक्चर है एंड देर इज मोबिलिटी मोबिलिटी देन रिपोजिशन तो टूथ को अपने पोजिशन में प्रॉपर पोजिशन में ले आओ स्विचरिंग कर लो और एमोबलाइज कर लो स्प्लेंटिंग एमोबलाइजेशन क्या क्या स्प्लेंटिंग है ना कम्पॉजिट रेजन एडजस्ट टूथ के साथ जो है ना कम्पोजिट रेजन से स्प्लेंट करो तो देट इज़ कार्ड एमोबलाइजेशन फॉर टू टू थ्री मंथ्स नाओ सेंसिटिविटी इफ दियर इज माइनर सेंसीटिविटी नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड ओनली अक्रूजर surface is ग्राइंड to bring it out of अक्रूजर contact from the opposing teeth. अगर थोड़ा सा sensitive हुआ है टूथ तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है थोड़ा सा इसका अक्रूजर surface रिड्यू करो ताकि अपोजिंग टूथ से साथ contact ना हो तो फिर ये sensitivity ख़त्म हो जाएगी और contact से आउट कर लो अगर कॉन्टेक्ट से आउट नहीं करते करेंगे तो अपोजिंग टूथ उस पर uh, को टच करेगा और फिर सेंसिटिविटी इनक्रीज करेगा मोबिलिटी इफ द टूथ इज लिटल मोबाइल इज लिटल बिट मोबाइल अगेन ग्राइंड टू ब्रिंग इट आउट ऑफ अक्लूजन इफ मोर मोबाइल स्प्रिंटिंग इज डन विद एडजस्टिंग टूथ ठीक है बस वही बात है इंट्रूजन। इंट्रूजन क्या है द ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रूजन इज कंट्रोवर्शन इंट्रूजन ये कि अपना अपने जगह से निकल आ जाए टूथ अपने स्पेस से क्लिनिशियन फेवर सर्जिकल रिपोजिशन एंड स्पलेंटे सर्जिकल रिपोजिशन मतलब सर्जरी करो, करो और सुचर करो और प्रेस प्लेंट करो एडजस्टेंट टूथ के साथ अदर से इफ इंट्रूडेड टूथ इज लेफ्ट

आर्थोडोंटिक्रप्शन द ट्रुथ इज़ एक्सट्रूड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ थ्री टू फोर वीक्स एंड वेन इट कम्स इन द डेंटल अर्च इट इज देन स्प्रिंटिंग फॉर थ्री मंथस तो एक बार जो है ना अगर आर्थोडोंटिक तरीके से आप बाहर निकालते हैं अपने पोजिशन पर तो फिर उसको जो है ना आ, आ, तीन चार हफ्ते में इसको बाहर निकालो और जब ये अपने जगह पर आ जाए तो फिर एडजस्टेंट टूथ के साथ रेजन से स्प्लेंड करो फॉर थ्री थ्री मंथ्स इफ द डिस टूथ इज इंक्रूडेड टू टच द फॉलिकल ऑफ़ द परमानेंट टूथ देन इट शुड बी रिमूव। अगर टेम्परी टूथ हो और वो नीचे चला जाए और परमानेंट टूथ जो है ना परमानेंट टूथ की जो बर्ड्स है उसको टच करे तो फिर इसको रिमूव करना है टेम्परी को रिमूव करना है एक्सट्रूजन एन एक्सट्रूडेड टूथ should be seated back into the during early injury and then it is splinted to one for one to three weeks. और अगर intruded अंदर चला जाए और extruded जो है ना अपने space से socket से बाहर निकल आ जाए तो अगर निकल आ जाए तो फौरन इसको अपने सॉकेट में रख दो मतलब जितनी जल्दी हो जाए और फिर उसको splint करो एडजस्ट टूथ के साथ फार थ्री तो वन टू थ्री वीक्स तीन हफ्ते के लिए लिटरल डिसप्लेसमेंट इफ द टूथ इज डिस विध एल वॉल फ्रैक्चर देन मैन मैनुअल रिपोजिशन एंड स्प्लेंटिंग इज डन और अगर लेटरल साइड पर अपने जगह से डिसप्लेस हो जाए तो हाथ से रिपोजिशन करो मेनुअल तरीके से या ट्वीजर से और स्प्लेंट करो एवर्शन एवर्शन इज ग्रीवियस्ट एंड डेंजरस टू टुथ पल्प एंड पेरिडों पेरिडोनशियम तो एवर्शन जो है ना ग्रीवियस्ट है बहुत बड़ा इंजरी है ठीक है और डेंजरस डेंजरस है फॉर टुथ और पल्प और पेरिडॉन्शियम द सक्सेज ऑफ रिप्लान डिपेंड अपॉन सर्टन फैक्टर तो अगर एवर्शन हो जाए तो इसको रीप्लान करना चाहिए लेकिन इट डिपेंड अपॉन सर्टन फैक्टर नंबर वन द लेंथ ऑफ टाइम द टुथ हीज़ बीन आउट ऑफ द साकेट ऐसा ना हो कि आज रिमूव हो जाए और कल इसको अपने स्पेस पर नहीं फोन घंटा आधा घंटा थर्टी मिनट फिफ्टीन मिनट्स द स्टेट ऑफ द ट्रुथ एंड द पेरुडम टिश्यू ऐसा मतलब टुथ की पोजिशन क्या है फ्रैक्चर है नहीं पेरुडल पोजिशन कैसे है द मैनर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द टुथ बिफोर रिप्लान तो जो आप प्रिजर्व करते हैं क्योंकि टूथ को प्रिजर्व करना है करना चाहिए इस नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन में या अपने पेशेंट की सलायो में बिफोर रिप्लांटेशन बिफोर रिप्लांटेशन द टूथ इज रेंस्ड विथ पेशेंट सलायो टेप टैप वाटर आर सेलाइन सोल्यूशन ठीक है इफ़ द टूथ हैज बीन आउट ऑफ द सॉकेट फॉर मोर देन ट्वेंटी मिनट्स इट शुड बी इट शुड नॉट बी रिप्लांटेड अंटल आफ्टर इट हैज़ बी रिप्लेसड इन टू बैंक हैंक बेलेंस्ड शॉर्ट अच्छा हैंक बैलेंस शॉर्ट सोल्यूशन टू थर्टी मिनट्स एंड देन एंड डॉक्सिकॉयक्रीन सॉल्ट सोल्यूशन फॉर फाइव मिनट्स तो ये प्रोसीजर करना है ठीक है अगर ट्वेंटी मिनट से ज़्यादा हो गए तो फिर आप ये जो है ना हैंक साल्ट और फिर जो है ना डॉक्सीसाइकिन सार्ट सॉल्यूशन फाइव मिनट्स उसमें सोक करो और फिर रिप्रेस करो द इज स्टेबलाइज्ड बाय वायर्स आर्च बार्स आर स्प्लेंट्स बार सेवन सेवन टू टेन डेज तो यह स्टेबलाइजेशन करते हैं वायर से बिल्कुल जो है ना, वो ज़ीरो टाइप्स वायर्स जो होता है या आर्च बार्स ठीक है स्पलेंटिंग टाइप बार्स जो होता है और या स्प्लेंड करो रेजन कंपोज़िट रेजन एडजस्टेंट टूथ के साथ फॉर सेवन टू टेन डेज स्टेबलाइजेशन पीरियड फॉर मोबाइल टूथ एज सेवन टू टेन डेज है डिस्प्लेस टूथ के लिए टू टू थ्री वीक्स है रूट फ्रैक्चर के लिए टू टू फोर मंथ्स है और रिप्लांटे टूथ के लिए रिप्लांटेड टूथ के लिए सेवन टू टेन डेज है परमानेंट टूथ ये परमानेंट है अच्छा अलवियोल फ्रैक्चर हो अब अलवर जो है ना एक अलोलर फ्रैक्चर मीन्स अलव्योलर बोन फ्रैक्चर द अलवियोलर फ्रैक्चर इज डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टू मैनेज अगर अलवियोलर बोन फ्रैक्चर हो जाए मतलब है या मैंडेबल या मिगजिला तो दिन इट इज़ नॉट इजी इट इज़ ए डिफिकल्ट टास्क द फ्रैक्चर सेगमेंट ऑफ बोन में इन्वॉल्व सिंगल टूथ बट मोस्टली मेनी टीथ ट्रीटमेंट एज फर्स्ट टू प्लेस द सेगमेंट इन प्रॉपर पोजिशन एंड देन स्टेबलाइजेशन टिल हीलिंग तो ये डिफ़िकल्ट है अगर फ्रैक्चर हो और अगर फ्रैक्चर सिगमेंट के साथ जो बोन है कभी कभी alveolar रिज वाला बोन जो एक तो मैंडेबल फ्रैक्चर है मिग्सला या एलोलर फ्रैक्चर जो एलोलर रिज है वो साथ फ्रैक्चर हो जाए और उसके साथ एक टूथ हो या कभी कभी मल्टीपल टीथ जो है ना उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं बट मोस्टली मिनी टीथ तो फिर क्या करना चाहिए फर्स्ट टू प्लेस द सेगमेंट इन प्रॉपर पोजीशन। पहले जो फ्रैक्चर सेगमेंट है वो अपना अपने स्पेस अपने प्रॉपर स्पेस पे रख दो ठीक है देन स्टेबलाइजेशन टिल हीलिंग और फिर स्टेबलाइज करो हती कि ये हीलिंग हो जाए द प्रोसीजर इन्वॉल्व सर्जिकल स्पलेंटिंग तो ये प्रोसीजर सर्जिकल स्पलेंटिंग इन्वॉल्व है आर ओपन सर्जिकल ट्रीटमेंट डन बाय मिगज सर्जन तो ऐसी सूरत में या तो स्पलेंटिंग करना चाहिए स्टेबलाइजेशन बाय स्पलेंटिंग जो सर्जिकल स्पलेंट हम बनाते हैं अगर ऑलियोलर रिच फ्रैक्चर विद वन टू हो दो टू हो तो अपना पहले उसको अपने सेगमेंट को अपने स्पेस में रख दो उसके बाद इम्प्रेशन ले लो और सर्जिकल स्प्लेंटिंग बना दो सर्जिकल स्प्लेंटिंग इज़ यूज टू तो स्टेबलाइज द फ्रैक्चर ऑलोलर रिच विद वन और टू टीथ और अगर ये भी नहीं हो तो फिर मेगजिफिशियल सर्जर सर्जन को रिमूव करो फिर वो एंटर अशियस वायरिंग करके वो ट्रीट करेगा ठीक है डी रेस्टोरेंट द नेक्स्ट विल बी ट्रामा बट इट विल बी फ्रैक्चर ऑफ द मैंबल एंड मेगजिला एंड आफ्टर डेट जॉय एक्सरसाइजेज़ तो इन शाह मेरे ख्याल में ये ख़त्म होगा और फिर मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जैसे कि आपचूरेटर है बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है टाइप्स ऑफ अपचुचूरीटर और यूज आपचूरेटर अब उसके बाद इस तरह स्टंट है स्प्लेंट है तो ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टंट स्पलेंट्स आपचूरेटर्स बाकी ये फ्रैक्चर ये ट्रामा ये भी और जाए एक्सरसाइज ओके डियर